10, सब्जेक्ट इंग्लिश फर्स्ट, क्लास 6, थर्ड टर्म स्टार्ट। इसके अलावा कुछ है? अब इसमें चैप्टर ओपन पेज नंबर 54। अब जो भी हम चैप्टर पढ़ाएंगे आपको, और हमारा जो 30% कोर्स है वो गवर्नमेंट ने हटा दिया है, 70% आएगा। जो भी चैप्टर हम पढ़ाएंगे, जैसे हमने 10 पढ़ाया, 10 के बाद 11 छोड़ दिया, 12 पढ़ाया, जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर होंगे, चाहे इंग्लिश ग्रामर के हो, चाहे इंग्लिश फर्स्ट के हो, वही आपके फाइनल पेपर में आएंगे। 30% कोर्स कम है, 70% पढ़ाना है। जो भी हम चैप्टर पढ़ाएंगे वो ही एग्जाम में आएंगे। अब ये नहीं कहना कि 10 के बाद 11 क्यों नहीं पढ़ाए, 10 के बाद हम 12 भी ले सकते हैं, 13 चैप्टर भी ले सकते हैं, इतना ध्यान रखना। इम्पोर्टेंट चैप्टर हम आपको ही पढ़ाएंगे, वो एग्जाम में आएंगे। अब देखो इसमें चैप्टर हमारा टेन है, म्यूजिक द सॉल ऑफ नेचर। अब इसमें देखो म्यूजिक द सॉल ऑफ नेचर चैप्टर हमारा टेन, ये थर्ड टर्म स्टार्ट हो गया इंग्लिश फर्स्ट का। अब इसमें देखो क्या है, म्यूजिक मीन संगीत, द सॉल मीन्स होती है आत्मा, ऑफ नेचर प्रकृति की आत्मा, संगीत है उसे प्रकृति की आत्मा कहा गया है। द हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूजिक, जो हमारा इतिहास है, ऑफ इंडियन म्यूजिक, भारतीय संगीत का, एक ब्रिमिंग विथ स्टोरी, ब्रिमिंग का मतलब होता है फुल ऑफ, भरा हुआ है, ब्रिमिंग मीन्स फुल ऑफ, भरा हुआ है विथ स्टोरी, जो हमारा भारतीय संगीत है इतिहास का, उसमें कहानियां भरी हुई हैं, एंड एनेक्डोट्स, जो भी कहानियां हैं वो उसमें भरी हुई हैं, एनेक्डोट्स का मतलब होता है स्टोरीज, जो भी कहानियां हैं वे हमारी इतिहास के भारतीय संगीत में भरी हुई हैं। व्हाई, क्यों, द वेरी ओरिजिन ऑफ म्यूजिक, जो हमारी संगीत की उत्पत्ति हुई है, एंड अदर टाइम आर्ट्स, और दूसरे समय कला की उत्पत्ति हुई है, इज इन इटसेल्फ ए स्टोरी, इसमें भी एक कहानी छिपी हुई है। द क्रिएटर, या क्रिएटर का मतलब प्रोड्यूसर का मतलब है उत्पत्ति करने वाला, कौन है सृष्टि को बनाने वाला, कौन है, ब्रह्मा, जो हमारा क्रिएटर है मीन्स प्रोड्यूसर है, उत्पत्ति करने वाला है वो ब्रह्मा है, मेड दिस यूनिवर्स, उसने इस ब्रह्मांड को बनाया है। यूनिवर्स का मतलब है द होल यूनिवर्स, संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण ब्रह्मा जी ने किया है। ही क्रिएटेड, इसका ही किसके लिए आया है, ब्रह्मा के लिए आया, ही क्रिएटेड इट मीन्स ब्रह्मा क्रिएटेड, ब्रह्मा जी ने बनाया है, ए वैरायटी ऑफ वंडरफुल्ली ब्यूटीफुल, ए वैरायटी, ए अलग अलग प्रकार के, ऑफ वंडरफुल्ली, आश्चर्यजनक, ब्यूटीफुल, सुंदर, एंड एनचांटिंग का मतलब होता है चार्मिंग, आकर्षित करने वाले थिंग्स, वस्तुएं। ब्रह्मा जी ने ए वैरायटी ऑफ वंडरफुल्ली, आश्चर्यचकित करने वाली, अलग अलग प्रकार की सुंदर और आकर्षित करने वाली वस्तुओं को बनाया है। ही क्रिएटेड, इसका मतलब ब्रह्मा क्रिएटेड, ब्रह्मा ने बनाया है द मैजेस्टिक माउंटेन, मैजेस्टिक का मतलब है रॉयल, शाही, माउंटेन पर्वत को बनाया है, रेंजेस श्रृंखलाएं, जो पर्वतीय श्रृंखलाएं हैं वो ब्रह्मा जी ने बनाई हैं, द थंडरिंग वॉटरफॉल्स, जो हमारा थंडरिंग वॉटरफॉल्स है, झरना है, उसको भी ब्रह्मा जी ने बनाया है, एंड द जाइंट फॉरेस्ट, जो हमारे बड़े बड़े विशाल जंगल हैं, उनको बनाया है, ट्रीज, बड़े बड़े पेड़ हैं, उनको ब्रह्मा जी ने बनाया है, एंड ऑल्सो द निम्बल डियर, और तेज दौड़ने वाला, निम्बल का मतलब होता फास्ट का मतलब एक्टिव, तेज दौड़ने वाले हिरन को भी ब्रह्मा जी ने बनाया है, द कलरफुल पीकॉक्स, सुंदर सुंदर हमारे रंग बिरंगे मोरों को बनाया है, एंड द एग्जिट होता है वेरी ब्यूटीफुल, अति सुंदर फ्लावर्स, फूलों को भी ब्रह्मा जी ने बनाया है, ही फिल्ड हिज क्रिएशन, उन्होंने भर दिया है, फिल्ड का मतलब होता है भर दिया, हिज क्रिएशन
अपना जो भी उत्पत्ति की है वह ब्रह्मा जी ने भर दी है विद ब्यूटी, सुंदरता के साथ, चाल आकर्षण के साथ एंड स्प्लेंडर और शान के साथ इस संसार को ब्रह्मा जी ने बनाया है। बट लेकिन ही वॉज सैड, अब ही किसके लिए आया, ब्रह्मा के लिए आया, लेकिन ब्रह्मा कैसे हैं, सैड दुखी हैं। हिज कॉन्सर्ट सरस्वती आज, जो उनकी सरस्वती पत्नी है वो कहती हैं हिम उनसे द रीजन फॉर हिज सैडनेस, उनके दुख का कारण पूछती हैं, ब्रह्मा जी आप दुखी क्यों हो। अब देखो ब्रह्मा क्या कहती हैं, ब्रह्मा सैड, ब्रह्मा ने कहा इट इज ट्रू, ये सत्य बात है, आई हैव क्रिएटेड, मैंने बनाया है, मैंने निर्माण किया है ऑल दिस वंडर एंड चार्म, इस संसार को, अद्भुत संसार को बनाया है, इस आकर्षित संसार को बनाया है एंड सोवर ब्यूटी एवरीवेयर, और हमने प्रत्येक जगह प्रत्येक स्थान पर सुंदरता का सोवर सुंदरता को भर दी है। बट लेकिन व्हाट इज द यूज, लेकिन इसका प्रयोग क्या है, माई चिल्ड्रन मेरे बच्चे द ह्यूमन सोल्स मानवीय आत्माएं सिंपली पास देम बाई उनसे होकर गुजरती हैं, दे डू नॉट सी, वे नहीं देख पाते हैं टू बी सेंसिटिव टू द ब्यूटी अराउंड, जितने भी मानव हैं वो प्रकृति की सुंदरता को नहीं देख पा रहे हैं जो उनके चारों ओर है। इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है टू हैव बीन वेस्टेड ऑन देम, जो भी हमने प्रकृति में सुंदरता भरी है वह सब बेकार है। दिस क्रिएशन, यह उत्पत्ति सीम्स टू बी पर्पजलेस, कैसी हो गई उत्पत्ति, उद्देश्य भी हो चुकी है। सरस्वती अंडरस्टूड, सरस्वती वो समझ गई, हिज फीलिंग्स, ब्रह्मा जी की भावनाओं को समझ गई एंड टोल्ड हिम, और उनसे कहा, मतलब ब्रह्मा से कहा, क्या कहा, वेल अच्छा, लेट मी डू माई शेयर, मुझे भी भागीदार होने दो इन द ग्रेट वर्क, इस महान काम में मैं भी भागीदार होंगी। यू हैव क्रिएटेड, आपने बना दिया है, आपने उत्पत्ति कर दी है ऑल दिस ब्यूटी, इस सभी सुंदरता की एंड स्प्लेंडर और इस शान की, आई शैल क्रिएट, मैं उत्पन्न करूंगी टू रेस्पॉन्ड टू एप्रिशिएट, मैं प्रशंसा करूंगी एंड बी अपलिफ्टेड बाई देम, आई शैल गिव देम म्यूजिक, अब सरस्वती क्या करेंगी, इस संसार में म्यूजिक का निर्माण करेंगी, संगीत उत्पन्न करेंगी एंड अदर आर्ट्स, और दूसरे हमारी जो कला है उनको उत्पन्न करेंगी, विच विल ड्रॉ आउट फ्रॉम डीप विद इन देम एंड कैपेसिटी टू रेस्पॉन्ड ऑल ऑफ क्रिएशन, और जो आपकी उत्पत्ति है उसमें बहुत बड़ी भागीदार होंगी सरस्वती, जो म्यूजिक का उसमें निर्माण करेंगी। ये हमारा चैप्टर आधा हो गया, अब हम कल आपको आधा चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे।